दिल से की थी मैंने दूरियां, सुननी न थी उसकी सदा। नाराज हुए अल्फाज मेरे, सोचा था कभी ना करूंगी सजदा। हो सुखी सी इश्क़ दी डाली ते फिर पत्ते तूने दिए सजा। है करम ये तकदीरा दा, है खेल लकीरा दा। जाना नहीं सी जिन राह ते, वहां ले आया फिर से खुदा, 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 फिर से खुदा। सरबजीत जी फोन आ रहा है। सरबजीत जी, सरबजीत जी फोन आ रहा है। परम का फोन। गॉड, फिर गर्ल टाइम कैंट्री मार लिया। हाय परम पुत्र। हाय माय मम्मा। हाय करण। माय मम्मा, आपने पापा की कपड़े क्यों पहन रखे हैं? वो दसो क्यों पाया तुसी मेरा कुर्ता? दसो दसो। वो पुत्र जी, मेहर मम्मा के सूट पे ना कॉफी गिर गई थी, तो इसलिए पापा का कुर्ता पहन। मेहर मम्मा, करण और पेन से कल बिग मिस्टेक हो गई। बिग मिस्टेक? हाँ, कल करण और परम दोनों आपसे कुछ पूछना भूल गए। क्या क्या? आप और पापा पेन की बहन लेने गए थे ना, दर्बिया पेन की बहन मिली कि नहीं? बताओ ना मैं मम्मा, पेन की बहन मिली कि नहीं? आपने और पापा ने प्रॉमिस किया था ना, आप पेन की बहन लेके आओगे। परम पुत्र, आपको आपकी बहन जरूर मिलेगी। ये पेन की बहन आएगी। करण, सुना आपने, परम की बहन आ रही है। वो परम और आपको भैया बोलेगी। करण भैया, परम भैया। पुत्र जी, आप स्टडीज कर रहे हो ना? ब्रेकफास्ट इज रेडी। कमिंग बुआ। बाय माय मम्मा, बाय पापा, आई लव यू। आई लव यू टू। मैं कुछ गलत ही नहीं किया ना सोनियो? आप जाकर तैयार हो जाइए। नहीं, अभी नहीं। चलिए। नो सरबजीत जी, लेट हो रहा है। चलो। गिन्नी, ये तू क्या कर रही है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तू है। प्रॉब्लम मैं? हाँ जी, तुझसे। जब पत्नी को अपनी प्रॉब्लम अपने मुंह से बतानी पड़े ना, तो इसका मतलब उसकी प्रॉब्लम उसका पति ही है। गिन्नी, मैं कुछ समझा नहीं। समझने के लिए ना दिमाग चाहिए, अकल होगी तो समझेगा ना। फुकरे? तूने मुझे फुकरा कहा? सॉरी, तुसी फुकरे नहीं, तुसी महा फुकरे हो। कुछ कम समझे करण दी, सोचो यार। गिन्नी, मैं ये रोज ही सोचता हूँ ना। सोच मत, तो कुछ कर। अब ये क्या कर रहे तू? गिन्नी, तूने कहा कुछ कर, तो मैं चादर ठीक। तू यहाँ चादरें ठीक कर, मैं जा रही हूँ कनाडा। मैं भी चलूंगा। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंबर सर का खोता वहाँ पहुँच के भी खोता ही रहेगा। खोता तो मत बोल यार। ऐसे देख, तू देखियो, एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं तुझे अपने पैरों पे खड़ा होके दिखाऊंगा। मेरी सो? तेरी सो। वाओ, पन के फेवरेट केक। यस। हाँ जी पुत्र जी, और आपके छोटे से करण बेबी के लिए जैसे आपने सिखाया था, मैश्ड बनाना विद मिल्क। ये सुना करण, हलीम बुआ ने आपका भी फेवरेट ब्रेकफास्ट मनाया। थैंक यू बोलो बुआ को।
मेंशन नॉट। परम पहले करण को ब्रेकफास्ट खिलाएगा, फिर खुद खाएगा। लेकिन पुत्र जी, ऐसे तो आपका ब्रेकफास्ट, आपका मिल्क सब कुछ ठंडा हो जाएगा। कोई गल नहीं, करण छोटा बेबी है ना, आप ही नहीं खा सकता। जब तक करण भी कुछ नहीं खाता, तब तक परम भी कुछ नहीं खाता। वटवानी साहब, जी वटवानी साहब, आप मैं और मेहर जी बस कोर्ट के लिए निकल रहे हैं। नहीं नहीं गिल साहब, आप अकेले आए तो बेहतर है। क्या बात है वटवानी साहब, सब ठीक तो है ना? आप आइए, मैं बताता हूँ आपको। ओके, मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ मतलब हम साथ में चल रहे हैं ना कोर्ट? पता नहीं मेहर जी, वटवानी साहब ने अकेले आने को कहा है। पर ऐसा अकेले क्यों? लेकिन मेहर जी रिलैक्स, सब ठीक होगा, मैं हूँ ना। फिर हम नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट से इंडिया चले जाएंगे, अपने कारण और परम के पास। रिलैक्स, लव यू। लव यू टू। बाय सरबजीत जी। फाइल। ओह हाँ, थैंक यू। बाय बाय। फिर से कुछ भूल गए क्या? है जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गया मैं। क्या बात है, फाइल तो ले गए आप? हाँ, आप प्लीज आंखें बंद कीजिए ना। सरबजीत जी, लेकिन मेहर जी, आंखें बंद कीजिए ना। तेरी आंखों के काजल सा जैसे फूलों के खिलने का एहसास जो हुआ है दिल से दिल मिलने का, इश्क़ दी रहमत हुई मेरा तो हाल जाने खुदा जाने खुदा। अब वैसे आधा घंटा और रुक जाता तो चाहिए। अब बाय। बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गया? मेहर जी, अगर हम परम को कुछ दें और करण को ना दें तो बुरा लगेगा ना? हाँ, पर मैं समझी नहीं। मेरा मतलब ये है कि हमारी नजरों में हमारे दोनों बाल गोपाल एक बराबर हैं, है ना? हाँ, लेकिन तो जैसे हमारे दोनों बाल गोपाल वैसी मेरे दोनों गाल। अब आपने एक में किस की तो दूसरा रोने लग गया। So, one more. सरबजीत जी, अब आप जाइए। एक सरबजीत जी, प्लीज, लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, आप जाइए प्लीज। बाय। सरबजीत जी, बस जाइए अब। मुझे पता था मेरे गोभी के परोठे तू भी मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही है।
मैं आ गया हूं, मेरा मानव आ गया है। कैसा लगा? दे दिया ना सरप्राइज। मैं पूरी रात। विक्रम जी आप यहां? विक्रम ओए नहीं, मैं तेरा मानव हूं, मैं तेरा मानव। बहुत अजीब किस्म के इंसान है ना आप, मानव को ढूंढते ढूंढते यहां भी आ गए। मानव पता था मुझे, पता था कि तू ये सारी बातें करेगी। मैं खुद को क्यों ढूंढूंगा, मैं ही तो मानव हूं, तेरा मानव। विक्रम जी अगर आप मजाक कर रहे हैं तो बहुत ही बुरा मजाक है। रात भर नीचे तेरा इंतजार कर रहा था, सात समंदर पार से तुझे बताने आया हूं कि मैं तेरा मानव हूं, मजाक क्यों करूंगा? मेरी आंखों में देख, क्या क्या कैसे साबित करूं कि मैं आपको मानव का सच पता लगाना है ना, जानना है ना कि क्या हुआ था उसके साथ, क्यों अचानक से गायब हो गया, क्यों कभी लौट के नहीं आया। तो सुनिए, मेरी मम्मी जी ने जान ले ली थी मेरी, मेरी पीठ में चुरा घोप दिया था, मुझे मरा हुआ समझकर तेरे दोनों भाइयों ने, बिट्टू और राणा ने मुझे नदी में फेंक दिया। हिस्सा जो कट चुका है वो हिस्सा तो मत सुना, मुझे ही मेरे कत्ल का किस्सा तो मत सुना। मेरे बर्थडे को डेड डे बना दिया तेरी मम्मी जी ने, मैं तो तेरी मम्मी जी से मांगने गया था और उन्होंने बदले में धोखा दिया, मौत दी। ये क्या हो गया, तू इतना क्यों परेशान हो रही है? ओ इन सब में तेरी गलती थोड़ी ना है, मुझे आज भी याद है कैसे तू मेरा नाम लेके चीखी थी, चिल्लाई थी। कैसे फुल स्पीड में साइकिल चलाकर आई थी दीप के पीछे, जान तो निकल रही थी मेरी पर मानो तुझे देख के जैसे कहीं अटक गई थी। उस टाइम भी लग रहा था कि तेरी मेहर मुझे बचा लेगी, रोक लेगी, सांसें टूट रही थी मेरी लेकिन आस नहीं छूट रही थी। मैंने तो पूरी कोशिश की अपने मानव को बचाने की पर मम्मी जी ने और बिट्टू राणा ने मिलकर मुझे नदी के अंदर फेंक दिया। तो ये सारी बातें मुझे क्यों याद करा रही है, मैं यही तो मानव हूं, तेरा मानव। मुझे पता है मैं जब मैं नदी में गिर रहा था तो मुझे तेरे साथ बिताया हुआ एक एक पल याद आ रहा था, हर चीज। तो तू मुझसे रूठ जाया करती थी, हम कैसे चुप चुप के मिला करते थे, मेरा वो एम वाला लॉकेट जो तेरी गाड़ी में लगाया था, जाऊंगा मैं ऑन ऑफ पेयर ऑफ दी मेहर, सब याद आ रहा था। वैसे इस एम का मतलब मेहर है या मानव पे रब दी मेहर?
जग्गा वीर जी के पास जब मैं तेरा हाथ मांगने गया था और ऐसे खड़ा हो गया था। कुछ बोल ही नहीं पाया था और तू फिर मुझसे नाराज हो गई थी। इसके बाद वो मेरी मेरी बाइक के लिए पैसे इकट्ठे करना, तेरा वो फ्लैट वाला सपना, याद है हम कैसे पैसे जोड़ रहे थे, एक छोटा सा घर देखा था हमने। लोहड़ी वाली रात तूने और मैंने साथ मिलकर तेरे लिए थे रात जीने मरने की कसमें खाई थी, याद आ रहा था। मैं वादा करता हूं तुझे कभी भी कोई दुख नहीं होने दूंगा। मेरा गोभी के परोठे, गोभी के परोठे कर रहा है तेरे सामने खड़ा होके, हंसा रहा है तुझे, सारे वादे याद दिला रहा है तुझे, पागल सच में जिंदा है। लेकिन फिर तू वो विक्रम दीवान सीपीआई ऑफिसर, वो तेरे मम्मी जी वो सीपीआई वाली नौकरी, ये कोई झल्ली है, जाने तो दे। बोला ना तुझे तेरी अनगिनत दुआओं का असर है ये सब, तो मैं आज तेरे सामने खड़ा हूं। मम्मी जी बिट्टू राणा ने मिलकर मुझे नदी में फेंक तो दिया, लेकिन लोगों ने मुझे बचा लिया, मुझे मुझे नदी के बाहर निकाला, जिंदगी बच गई, लेकिन याददाश्त चली गई। और वहीं पर मुझे मेरे डैड मिस्टर दीवान मिले, और ऐसे मैं बन गया सीबीआई ऑफिसर विक्रम दीवान। पता है मैं जब मैंने तुझे विक्रम दीवान बन के पहली बार देखा था ना, लगा जैसे मेरी एक रूह का हिस्सा है, मैं तुझे पहचान जरूर नहीं पाया होगा, लेकिन कुछ हुआ था, हो गया था, नहीं याद आ रहा था कुछ भी, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन शादी वाले दिन मंडप के चक्कर लेते हुए मुझे सब कुछ याद आ गया, सारी धुंधली यादें एकदम सामने खड़ी हो गई आके, और मुझे मेरी महर साफ दिखने लगी, जो रूह का हिस्सा था वो दिखने लगा, और समझ रही है ना, मैं वापस आ गया हूं, मेरा मानव वापस आ गया, गले तो लगा ले यार।